एम चिराग, वेलकम टू आस्क योर फिजियो। और आज हम बात करेंगे डेलोम एंड ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल के बारे में। तो बिफोर वी गो टू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, वी शुड फर्स्ट नो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज स्पेशलाइज इन द यूज ऑफ रेसिस्टेंस। अभी जो रेसिस्टेंस है वो फ्री वेट भी हो सकता है, वेटिंग मशीन्स का भी हो सकता है, या फिर आपका खुद का वेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको करते किसके लिए है? टू टारगेट द इंडिविजुअल मसल और द ग्रुप ऑफ मसल टू डेवलप द स्ट्रेंथ एनएरोबिक एंड्योरेंस और द स्केलेटन मसल मास। सो देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फर्स्ट इज डेलोम प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज द ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं डेलोम प्रिंसिपल की। डेलोम प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस डेलोम इन 1940s। ठीक है, तो डेलोम प्रिंसिपल समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपीटेटिव मैक्सिमम क्या होता है। तो रिपीटेटिव मैक्सिमम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट दैट कैन बी लिफ्ट बाय अ पर्सन विद द मैक्सिमम एफर्ट इन वन रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 केजीज जो वेट है आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हो, ठीक है, उसके आगे आप नहीं उठा सकते, तो वो आपका वन रिपीटेशन मैक्सिमम है, बिकॉज आप वन रिपीटेशन में मैक्सिमम वेट 50 केजीज उठा सकते हो। तो अगर वन रिपीटेशन मैक्सिमम ये है, तो 10 रिपीटेशन मैक्सिमम क्या होता होगा? 10 रिपीटेशन मैक्सिमम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट दैट कैन बी लिफ्ट बाय अ पर्सन 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स जो है वो एक सेट है। ठीक है, मतलब अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो तो वो लगातार कॉन्सिक्यूटिव एक्सरसाइज होनी चाहिए एक सेट के अंदर, जो जिसके अंदर 10 रिपीटेशन। तो ही प्रपोजेज अ प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम बेस्ड ऑन 10 रिपीटेशन मैक्सिमम, जहां पर सब्जेक्ट सेट्स ऑफ ट्रेनिंग जो शुरू करेगा वो हाफ ऑफ द 10 रिपीटेशन मैक्सिमम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 किलो वजन ज्यादा से ज्यादा 10 रिपीटेशन में उठा सकता हूं, तो उस टाइम पर मैं हाफ ऑफ द वेट उठाऊंगा, मतलब 10 केजीज ऑफ वेट मैं फर्स्ट सेट में उठाऊंगा, उसके बाद 75% यानी 15 केजी ऑफ जो वेट होगा वो मैं सेकंड बार में उठाऊंगा, एंड थर्ड रिपीटेशन मतलब जो थर्ड सेट होगा उसमें मैं 20 केजीज ही उठाऊंगा, जो कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन मैक्सिमम में कर सकता था। ठीक है, तो ही प्रपोजेज अ प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम बेस्ड ऑन 10 रिपीटेशन, जहां पर सब्जेक्ट बिगेन सेट्स ऑफ ट्रेनिंग बाय परफॉर्मिंग फर्स्ट सेट इन 50% ऑफ द 10 रिपीटेशन मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 केजीज ऑफ वेट ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हो अपने 10 रिपीटेशन में, तो आप ओनली 50% उठाओगे, मतलब 10 केजीज ऑफ वजन आप फर्स्ट सेट में उठाओगे, उसके बाद 75% यानी 15 केजीज ऑफ वजन उठाओगे आप सेकंड सेट में, एंड थर्ड सेट में आप 20 केजीज ऑफ वेट उठाओगे, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हो। ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेलोम प्रिंसिपल, जो कि ये कहते हैं कि सेट्स ऑफ ट्रेनिंग जो होगी रिग्रेसिव होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आप फर्स्ट सेट ऑफ ट्रेनिंग करोगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 20 केजी ऑफ वेट आपका हाईएस्ट रिपीटेशन 10 रिपीटेशन मैक्सिमम है, तो फर्स्ट सेट जो आप करोगे वो 20 केजी से ही शुरू करोगे, उसके बाद 75% मतलब 15 केजीज पे करोगे, उसके बाद 50% यानी आप 10 केजीज पे करोगे। ठीक है, तो ये चीज थी ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल में। तो अब आप सोच रहे होंगे फॉलो किसको करें, ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल को या डेलोम प्रिंसिपल को, बिकॉज दोनों बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे थे एक दूसरे के। तो अ कंपैरेटिव स्टडी वाज डन बिटवीन डेलोम प्रिंसिपल एंड ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल बाय फिशर ऑल, और उन्होंने ये कहा कि मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए दोनों ही बेनिफिशियल है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करो, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।